कराची में यंग स्टार टैलेंट एजेंसी के नाम से नौजवानों को मॉडलिंग के शोबे में आगे बढ़ाने के लिए यंग स्टार टैलेंट एजेंसी काम कर रही है। इसी सिलसिले में इनके ऑनर मोहम्मद कैसर की कराची अपडेट से गुफ्तगु। जी, यंग टैलेंट स्टार एजेंसी एंड मीडिया प्रोडक्शन का सीईओ मोहम्मद कैसर। मीडिया में काम तो मैं 92 से कर रहा हूँ। मैं पीटीवी से मैंने स्टार्ट किया था, एकदम एक पार्टनर कैटा पार्टनर, लेकिन कुछ अर्से के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था, आउट ऑफ कंट्री चला गया अपने इशूज के और पर्सनल प्रॉब्लम। दोबारा जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी प्रोडक्शन हाउस बनाई यंग टैलेंट के नाम से। तो मेरा रीज़न था न्यू टैलेंट को प्रमोट कर, तो यहाँ आकर मैंने देखा कि न्यू टैलेंट को कोई प्रमोट नहीं करता। तो मेरा ये अपने जहन में है कि मैंने न्यू टैलेंट को ही प्रमोट करना है, यंग टैलेंट को लाना होगा। नए टैलेंट को कोई मौका नहीं मिलता। फैशन शो मेरा बेसिक इसमें एंट्री थी इस टैलेंट को उजागर करने के लिए। अभी नेक्स्ट जो मेरे प्रोजेक्ट हैं ड्रामा सीरियल में, मूवी में और कमर्शियल शूट्स में, उनमें भी मैं न्यू टैलेंट को ही प्रमोट करूंगा जो मेरे शादी में अभी काम किया है इस फैशन शो में, और उन्हीं को ही मौका दिया जाएगा। यहाँ से मलेशिया गया एज ए मेकअप और डाटा पास्टर्स का कोर्स करने, वहाँ से मैं दुबई शिफ्ट हुआ, दुबई से मस्कत। वहाँ पर मैंने कुछ सीखा कि क्या होता है फैशन शो होते क्या, उसी जो मैंने सीखा है वही यहाँ पाकिस्तान में करना चाह रहा हूँ, उसी के छोटी से एफर्ट किए। पहला शो था, छोटी से एफर्ट है, और नेक्स्ट शो इंशाल्लाह सीजन को इतने फोरी बाद है, उससे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और न्यू टैलेंट को ही प्रमोट करना मेरा यंग टैलेंट इसलिए नाम रखा है कि न्यू टैलेंट को लाना। तो न्यू टैलेंट के साथ बहुत ज्यादा होती है यहाँ पाकिस्तान में, मैंने देखा उनको भी प्रमोट नहीं करता, उनको जो भी लालच दिया जाता हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है, उनके बारे में सोचता कोई नहीं है न्यू टैलेंट के बारे में। मेरे साथ बेसिकली तो बहुत से हैं, और खासकर अभी एक न्यू है तारीख खान नाम मॉडल है जो अभी मीडिया में, उसके बहुत से मैगजीन शूट अखबार हैं जहाँ इस तरह बात वीडियो सॉन्ग है, और टेली मूवी वो कर चुकी है। एक किरण है और दो तीन और ऐसे मॉडल हैं जिनका मैं नाम नहीं बता सकता, उतने मेरे जहन में नहीं है, उनको जब लीड पे काम करेंगे। अभी एक सस्ती मूवी आ रही है उसमें वो एज ए हीरो काम करेंगे अरीज खान। मैं जितने भी शो किए हैं बलोची कल्चर पे करता था, अगर बलोची करता तो ये मेरा सीजन 7 होता बलोची फैशन शो के नाम से। इसलिए इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है कराची फीस्ट ऑफ फैशन शो, इसमें मैं हर ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ बलोची कल्चर को उजागर करूँ, लेकिन जितने भी कल्चर हैं हमारे पाकिस्तानी उन सबको ये मिला ये सीजन 10 का। अभी न्यू मेरा आएगा लालची औरत के नाम से, ये यंग टैलेंट से ही होगा लालची औरत, जिसका राइटर मैं खुद हूँ। अच्छा, उनके लिए ये है कि अपनी मेहनत पे भरोसा करें, मेहनत करके आगे आने की कोशिश करें, शॉर्टकट की रास्ता इख्तियार नहीं करें। शॉर्टकट में आओगे तो लाजमगर उसमें हर चीज़ें आती हैं, आपको यूज़ किया जाता है, आपको गलत मिसगाइड किया जाएगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो अपने टैलेंट के भरोसे पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। असल में बाहर जाना हर फनकार का एक शौक होता है, उसका जहन में आगे बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपकी मेहनत, वो आप पाकिस्तान में मेहनत कर सकते हैं, पाकिस्तान में कमी नहीं है हर चीज़ में यहाँ अवेलेबल है, लेकिन ये कि यहाँ मेहनत करें। बाहर जाना बोल देते हैं बाहर, लेकिन बाहर जाके आपको बहुत सी मुश्किल भी होती हैं, तो इतनी जल्दी सपोर्ट नहीं करता है। ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बातें होती हैं हम बाहर जाएंगे हमें ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर आपने मेहनत करके ही आगे बढ़ना है, तो वो मेहनत आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं अपनी मेहनत के बल। अच्छी प्रोडक्शन हाउस में जाएँ जो अच्छा काम करने वाले हैं, बहुत से हमारे इस मीडिया में, आप उनके पास जाएँ, वो आपको टैलेंट को आगे लाएंगे और आप भी मेहनत करेंगे, उसके बाद आपको अगर अच्छा काम मिलता है, अच्छा भी ऐसी रिस्पॉन्स मिलता है, स्पॉन्सर अच्छा मिलता है, उसके साथ बात है आउट ऑफ कंट्री है, बेसिक ये कि आपको स्पॉन्सर अच्छा मिले, तो अच्छा गाइडलाइन देने वाला मिले, अच्छा प्रोडक्शन हाउस वाला मिले, तो अकेले मत जाएँ, तो अकेले जाने से बहुत सी मुश्किल आ जाए। नहीं ऐसा है ये मैं नहीं बोल सकता कि नहीं, लेकिन हमारी प्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, कोई पी आर नहीं है, कोई इसमें उपस्थित नहीं, सिर्फ इसमें मेहनत है अपनी, जो मेहनत करेगा वही। मैं खुद बैठता हूँ डील करता हूँ, मैं आता हूँ, मेरे पास फौजिया खान है वो डील करते हैं, हमारे पास जो भी आएगा अपने टैलेंट अपनी मेहनत पर आगे जाएगा। और प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, ये नहीं मैं सबको बोलूँगा ऐसे, जो रजिस्टर्ड है जो पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं आप टैलेंट हैं वो जरूर काम करें और अच्छा काम करें, हम उनके साथ काम करें। उसके लिए सिंपल सा मेरा एक मेम्बरशिप फॉर्म होता है, वो आके फिलअप करें और उसके बाद हमारे साथ काम करें, वो इसलिए उन्हीं का फ़ायदा है कि हमारा जो फॉर्म होता है उसकी पूरी डिटेल होती है, उनके इमरजेंसी इनके साथ एमरजेंसी उनके घरेलू पर्सनल नंबर होते हैं, और उनको मसले मिसाल इशू हम उनके पर्सनल उनके घरेलू घर वालों से रब्ता कर सकते हैं। हुकूमत के सेंस हम यही कहेंगे कम से कम जो न्यू टैलेंट है जो न्यू इस तरह काम करना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ दें, थोड़ा सपोर्ट करें, तो ये न्यू टैलेंट और ऊपर ला सकते हैं।